हाँ, तो पिछली वीडियो में हम रामः शब्द की रूप सिद्धि बना रहे थे और हमने विरामोऽवसानम सूत्र को पढ़ा था। तो देखिए, रामः जो शब्द है उसकी रूप सिद्धि हमने बनाई थी कि ये जो राम रामः जो शब्द है इसमें शब्द कौन सा है? राम शब्द है। कौन सा शब्द है? राम शब्द है। और इस राम शब्द की हमने क्या क्या की थी? प्रातिपदिक संज्ञा की थी। कौन से सूत्र से? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से। राम शब्द की हमने प्रातिपदिक संज्ञा कौन से सूत्र से की थी? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। अर्थात धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर जो अर्थवान शब्द होता है उसकी क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो ये धातु भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है और प्रत्यांत भी नहीं है। एक ऐसा शब्द है, अर्थवान शब्द है, इसलिए इस राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। कौन से सूत्र से हो गई? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। ठीक है, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। प्रातिपदिकम सिद्धि बनाने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सीधे लाइन में लिखा था हमने राम शब्द की अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से क्या हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। एक ऐसे लिख दे, राम शब्द है, प्रातिपदिक संज्ञा हुई अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। अब देखिए, प्रातिपदिक संज्ञा जब हो जाती है तो उसके बाद ये क्या आता है? प्रत्यय आते हैं। राम धन सु आया, क्योंकि ये रामे है जो कौन से पुरुष कौन से वचन का है? प्रथम पुरुष, ये प्रथमा विभक्ति है। और कौन सा वचन है? एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। तो हम राम धन प्रथमा विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय ही लाएंगे। कौन सा? सु। तो ये क्या आया? सुप्रत्यय हुआ। सुप्रत्यय हुआ किससे? राम शब्द से हुआ। अब ये सुप्रत्यय कौन से सूत्र से हुआ? सौजस मऊट षष्टाभ्याम भी स्नेभ्याम भ्यास नसीभ्याम भ्यास, इस सूत्र से हुआ। सौजस मऊट सूत्र से क्या हो गया? सुप्रत्यय हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो सुप्रत्यय है ये क्या है? उपदेश अवस्था है। तो इस सु में जो उ है उसकी हम उपदेशे अज अनुनासिक इत से क्या कर देंगे? इत संज्ञा कर देंगे। तो क्या स्थिति बचेगी? राम धन से सु की, सु में उ की क्या कर दी हमने? इत संज्ञा कर दी। उ की इत संज्ञा हुई, उ की इत संज्ञा हुई, इत संज्ञा हुई। कौन से सूत्र से हुई? उपदेशे अज अनुनासिक इत से हुई। उपदेशे अज अनुनासिक इत से हुई। ठीक है, ये हो गई इत से इत संज्ञा हो गई। ठीक है, अब जब उ की इत संज्ञा हो जाएगी तो इत संज्ञा करने का फल क्या है? कि तस्य लोपे, जो सूत्र हमने पढ़ा था प्रथम वर्ष में, उस तस्य लोपे से सूत्र क्या कहता था? कि आपने जिस वर्ण की इत संज्ञा की है उसकी उसका क्या कर दो? लोप कर दो। और लोप का मतलब क्या होता है? अदर्शनम लोप है जो सूत्र है वो कहता है कि प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञे शात। अर्थात जो ध्वनि हमको दिखाई नहीं दे, सुनाई नहीं दे, उसकी क्या कहते हैं? लोप कहते हैं, उसकी लोप संज्ञा होती है। ठीक है ना, अब ये जो ऊ है तो ऊ क्या हो जाएगा? उसका ऊ का लोप हो जाएगा। तो स्थिति हमारी यही बचेगी, राम धन से बचेगा, राम धन से बचेगा। ठीक है, इसमें उ की इत संज्ञा हमने की इसकी, तो उ का लोप हो गया। क्या हो गया? उ का लोप हो गया। उ का लोप कौन से सूत्र से हुआ? तस्से लोप ऐसे, तस्से लोप ऐसे लोप हो गया। ठीक है, अब तस्य लोपे से जब लोप हो जाता है तो अभी देखिए, स के बाद कोई वर्ण नहीं है, अर्थात स एक व्यंजन बचा है हमारा। ठीक है ना, तो हमने सूत्र पढ़ा था विरामो अवसानम, वो क्या करता है? अवसान संज्ञा करता है। वर्णों के अभाव की कौन सी संज्ञा हो जाती है? अवसान संज्ञा हो जाती है। राम धन स की क्या कर देंगे यहाँ पर हम? अवसान संज्ञा कर देंगे। कौन सी संज्ञा कर देंगे? अवसान संज्ञा। अवसान का मतलब क्या होता है? रुकना, ठहरना, अर्थात जहाँ वर्णों उसके बाद में कोई वर्ण नहीं हो, जिस वर्ण के आगे कोई वर्ण नहीं हो। अब इस स के बाद कुछ भी वर्ण नहीं है, पहले तो क्या था? स के बाद उ था, स प्लस उ बराबर जभी तो बना था सु। ठीक है, तो अवसान संज्ञा कौन से सूत्र से हो जाएगी? विरामो अवसानम से, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो गई। ठीक है, अब विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा जब हुई तो अब ये देखिए, अब स्थिति क्या बच रही हमारे पास? राम धन से, ये हमारे पास स्थिति है। अब हमको क्या करना है? तो जब हमने विरामो अवसानम सूत्र पढ़ा था तो वो लिखा था कि वर्णा नाम अभाव अवसान संज्ञा स्यात्, अर्थात वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। और उसके बाद लिखा हुआ था कि शस्य रुत्व विसर्गे, स को रू और रू को क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। तो ये जो स है, इस स के स्थान पर रू हो जाएगा,
होगा, कौन से सूत्र से होगा? हमने विसर्ग संधि प्रकरण में पढ़ा था एक सूत्र जिसका नाम था क्या, स सजूसो रू। ये क्या करता है, स के स्थान पर रू हो गया, स के स्थान पर क्या हो गया, रू हो गया, रू हुआ। कौन से सूत्र से हुआ, स सजूसो रू से हुआ, स सजूसो रू से हुआ, ये हो गया स सजूसो रू। प्रथम वर्ष में पढ़ा था हमने विसर्ग संधि प्रकरण में, स सजूस के स्थान पर क्या हो जाता है, रू हो जाता है। पदांत यदि पद के अंत में हो, स और सजूस शब्द यदि पद के अंत में हो तो उस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू। अब ये पदांत ही है, इसके बाद में कोई पद नहीं है, तो स सजूसो रू क्या कर देगा, उसके स्थान पर रू कर देगा। अब देखिए रू है, इस रू में भी हमको उकित संज्ञा करनी है, कौन से सूत्र से होगी, उपदेश अजनाशिक इत से, और तस्य लोपे से उस ऊ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, स्थिति क्या बचेगी, स रामधन रे, आधा रे बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए जो उपदेश अजनाशिक इतर तस्य लोपे जो सूत्र है, इन दोनों सूत्रों के स्थान पर अर्थात हमको दोबारा नहीं लिखने पड़े, इसके स्थान पर हम व्याकरण में एक संक्षेप का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है अनुबंध लोप। क्या है, अनुबंध लोप। अनुबंध लोप का मतलब क्या होता है कि दोनों को मिलाकर के लोप हो जाता है, अर्थात हमको पता लग गया है कि इसकी उत्संज्ञा की उत्संज्ञा उपदेश अजनाशिक इत से हुई और तस्य लोपे से उस उका क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है। तो देखिए अब जब इसका अनुबंध लोप करेंगे तो रे में उ की उत्संज्ञा होगी, तस्य लोपे से उसका लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, राम धन रे बचेगा। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, अनुबंध लोप लिख देंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर वही कि रू की रे में स्थित उ की उपदेश अजनाशिक इत से संज्ञा हुई और तस्य लोपे से उसका क्या हुआ, लोप हुआ, ठीक है। तो हम इसके अगर उसको नहीं लिखे तो हम क्या लिखेंगे, अनुबंध लोप करके, अनुबंध लोप करके। अब अनुबंध लोप में वो दोनों सूत्र आते हैं, उपदेश अजनाशिक इत और तस्य लोपे से। अब स्थिति क्या बच रही है हमारी, राम धन र, ठीक है ना। अब देखिए जो र है, इस र के स्थान पर भी विसर्ग हो जाता है, जो हमने विसर्ग संधि प्रकरण में वो सूत्र पढ़ा था, कौन सा था, खर अवसानियो विसर्जनीयस्य। कौन सा सूत्र था, खर अवसानियो विसर्जनीयस्य। तो ये राम के स्थान पर जो क्या हो जाएगा, र के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, क्या हुआ, र के स्थान पर, र के स्थान पर विसर्ग हुआ, विसर्ग हुआ। कौन से सूत्र से हुआ, खर वशानियो विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य, खर वशानियो विसर्जनीयस्य जो सूत्र है, उस र के स्थान पर क्या क्या हो गया, राम के र के स्थान पर विसर्ग हो गया। तो मिलाकर के इस र के स्थान पर क्या कर देगा, ये विसर्ग कर देगा, ठीक है। राम धन र के स्थान पर हो गया विसर्ग, ठीक है। अब विसर्ग तो क्या बनाएंगे, हम मिलाकर के राम है इति रूपम सिद्धम, इति रूपम सिद्धम, राम है इति रूपम सिद्धम, ये हमारी राम शब्द की रूप सिद्धि हुई, ठीक है। तो राम है शब्द की रूप सिद्धि हमने बनाई, तो इससे पहले हमने 5-6 सूत्रों का अध्ययन किया। पहला सूत्र था अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, वो प्रातिपदिक संज्ञा करता है, और कृतद्धि समासाश्चि सूत्र था, वो भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है, लेकिन वो सूत्र इस प्रकरण में काम नहीं आने वाला है, वो कृदंत तद्धितांत और समास में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था तिप्तस जी सिप्तस्थ है मेपुअस्मस तयाताम जय थासा थम तम इड वही महि, वो क्या करता था कि ये जो 18 जो प्रत्यय है ये के स्थान पर होते हैं, विभक्ति प्रत्यय कहलाते हैं और ये विभक्तियों के स्थान पर ही होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो सूत्र पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था न्याय प्रातिपदिकात प्रत्यय और परस्य, सुपय पढ़ा था, द्वयो एक वयो द्विवचने एक वचने पढ़ा था, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन और एकत्व की विवक्षा में एक वचन। तो ये एक राम शब्द है, ये प्रथमा का एक वचन है, तो एकत्व की विवक्षा में हमने एक वचन का प्रत्यय किया, कौन सा, सु। अब जब द्विवचन की बात आएगी, द्वित्व की बात आएगी, तो वहां पर द्विवचन का प्रत्यय अव ही करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक सूत्र पढ़ा था विरामो अवसानम, वो क्या करता था कि वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है, अर्थात जिस वर्ण के आगे कोई दूसरा वर्ण नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, अवसान कहते हैं। और अवसान क्या है,
एक संज्ञा है। तो पेपर में यदि प्रश्न आता है अवसान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो हमको लिखना है विरामो अवसानम, ठीक है ना। और विरामो अवसानम का जो सूत्र था उसका उदाहरण है राम है, कौन सा है राम है। तो राम है शब्द की रूप सिद्धि हमको इस तरह से बनानी, ठीक है। तो राम है शब्द की रूप सिद्धि यदि पेपर में आती है, ये प्रथमा विभक्ति का क्या है एक वचन है, तो सिद्धि एक क्लियर हो गई है हमारी। अब इसका एक तरीका तो यह है बनाने का, एक क्या है सीधे शब्दों में लिखना। अब वो कैसे लिखेंगे हम देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे राम है, ठीक है ना। तो राम है की जब रूप सिद्धि बनाएंगे तो उसके बाद डैश करके लिखेंगे राम शब्द की अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, ठीक है, स्थिति वही रहेगी खाली राम। उसके बाद लिखेंगे सौजस मऊट छष्टाभ्याम बीस, पूरा सूत्र न लिख करके आधा आधा लिखेंगे, डैश टेस्ट करेंगे और क्या लिखेंगे सौजस मऊट इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय हुआ। प्रथमा एक वचन ही है तो क्या करेंगे सुप्रत्यय, द्विवचन का करना है तो प्रथमा के द्विवचन की विवक्षा में सुप्रत्यय हुआ, क्योंकि सुबंत प्रत्यय में प्रथमा का एक वचन प्रत्यय कौन सा है सु, द्वितीय द्विवचन का कौन सा है औ, और बहुवचन का कौन सा है जस, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे सुऔजस मौट सु इत्यादि सूत्र से प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय हुआ। फिर स्थिति बनाएंगे राम प्लस सु, राम धन क्या बन जाएगा सु। अब उसके बाद लिखेंगे हम सैमे स्थित ऊ की उपदेश अजनाशिक इत से इत संज्ञा हो गई, तो राम धन सह बचेगा और तस्य लोपे से उसका क्या हो गया ऊ का लोप हो गया, स्थिति क्या बची हमारी राम धन सह बचा, यहां तक लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे इसके बाद विरामो अवसानम सूत्र से क्या हुई सह की अवसान संज्ञा हो गई, अवसान संज्ञा हो गई। उसके बाद सह सजुसो रू सूत्र के द्वारा सह के स्थान पर क्या हो गया रू हो गया, और रू का भी क्या करेंगे हम अनुबंध लोप कर देंगे। अनुबंध लोप का मतलब र में स्थित ऊ की उपदेश अजनाशिक इत से इत संज्ञा और तस्से लोपे से ऊ का लोप, ठीक है। अब क्या बचा राम धन रह बचा, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम खर वसानी विसर्जनीय से सूत्र से राम रह के स्थान पर क्या हुआ विसर्ग हुआ, और मिलाकर के राम है इति रूपम सिद्धम, मिलाकर के राम यह रूप क्या होता है हमारा सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो प्रथमा का एक वचन राम है जो शब्द है उसको हमने सिद्ध कर लिया था, ठीक है। अब देखिए अगला सूत्र आता है सूत्र नंबर 9, वो है सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। तो अगली हेडिंग डालिए, सूत्र अगला है सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। ये सूत्र क्या कहता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी वृत्ति क्या है, अब इसको समझेंगे हम। अगला सूत्र लिखिए सरूपाणाम एक शेष, सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, एक विभक्तौ, सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। अब इस सूत्र को समझना है हमको कि यह सूत्र क्या करता है, सूत्र क्या करता है। अब इसकी वृत्ति लिखिए सबसे पहले, तो फिर उसके बाद अर्थ लिखेंगे इसको। सरूपाणाम अर्थात एक विभक्तौ यानी सरूपाणाम एव दृष्टानि, एक विभक्तौ यानी सरूपाणाम सरूपा स्वरूपाण्येव दृष्टानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषां एक एव शिष्यते, तेषां एक एव शिष्यते शिष्यते, ठीक है। तो ये इसकी वृत्ति हुई सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ की, कि एक विभक्तौ यानी सरूपाणाम
एव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते, अर्थात एक विभक्ति में जो स्वरूप देखे जाते हैं उनमें एक का शेष रहता है, एक ही क्या रहता है, शेष रहता है। अब देखिए ये स्वरूपानाम क्या कहता है कि स्वरूप का मतलब होता है समान रूप, स्वरूप का मतलब क्या होता है समान रूप, ये स्वरूपानाम एक शेष एक विभक्तौ, अर्थात एक विभक्ति में जो समान रूप वाले होते हैं। जैसे हमने रामय शब्द तो बना लिया और रामय क्या है राम, अर्थात ये प्रथमा का एक वचन है और एकत्व की विवक्षा में क्या होता है एक वचन हो गया, अर्थात एक राम क्या हो गया एक राम, ठीक है। अब देखिए द्विवचन का रूप आता है हमारा रामौ, कौन सा आता है रामौ। अब ये रामौ का मतलब राम और राम, ये क्या हो गए दो राम हो गए, ठीक है। अब देखिए रामः बहुवचन का क्या है रामा, अर्थात दो से अधिक यानी तीन राम, तो ये क्या हो गया राम राम और राम, ये क्या हो गया राम हो गया। अब ये प्रथमा विभक्ति में तीन रूप बनते हैं, अर्थात प्रथमा का एक वचन राम है अर्थात एक राम, द्विवचन में रामो अर्थात दो राम और बहुवचन में तीन राम अर्थात तीन राम, रामः यानी तीन राम, ठीक है। तो ये इस सूत्र ये इस बात को स्पष्ट करता है कि स्वरूपानाम एक शेष एक विभक्त हो, एक जो विभक्ति होती है अर्थात जैसे प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना, प्रथमा विभक्ति जो एक एक विभक्ति है उस एक विभक्ति में यदि स्वरूप यानी समान रूप दिखाई देते हैं, स्वरूप का मतलब समान। अब ये दो राम का मतलब राम है, हम ये थोड़े भाई दो राम तो क्या लिखेंगे हम राम राम थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम रामौ लिखेंगे, क्या लिखेंगे रामौ। और तीन राम है तो राम 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 ऐसे थोड़ी लिखेंगे, राम क्या लिखेंगे रामा लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ राम लक्ष्मण और भरत तो राम चे लक्ष्मण चे भरत चे, ये बात तो ठीक है क्योंकि अलग अलग है स्वरूप यानी समान नहीं है। अब मैं कहूँ राम 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 तीन राम है तो तीन रामों को हम क्या किससे दर्शाएंगे रामहा, रामा का मतलब बहुवचन है तो रामहा का मतलब तीन राम, ठीक है। तो ये इसी बात को बताता है कि एक विभक्तौ यानी स्वरूपानाम एव दृष्टानि, यदि कि एक विभक्ति में जो यानी जो स्वरूपानाम दृष्टानि जो समान रूप दिखाई देता है तेसाम एक एव शिष्यते, उनमें से एक ही क्या रहता है शेष रहता है, अन्न का लोप हो जाता है। जैसे ये द्विवचन का रूप है इसमें ये दोनों क्या दिख रहे हैं स्वरूप दिख रहे हैं, प्रथमा की विभक्ति है तो ये क्या है दोनों स्वरूप यानी समान रूप वाले हैं, तो तेषाम एक एव शिष्यते, तो इन दोनों में से एक ही शेष रहता है, एक का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। ऐसे ये बहुवचन में तीन क्या है स्वरूप यानी समान रूप है तो इन दो का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, एक ही क्या रहेगा शेष रहेगा, तो एक शेष रहेगा उसके साथ ही एक प्रत्यय होगा, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि द्विवचन में जो हम राम रामौ बनाते हैं तो वहां पर एक ही शेष रहता है, अन्न का लोप हो जाता है। तो अब इसका अर्थ लिखना है हमको, एक विभक्ति में जो स्वरूप देखे जाते हैं, इसका अर्थ लिखिए एक विभक्ति में जो स्वरूप होते हैं, जो स्वरूप, स्वरूप का मतलब समान रूप, स्वरूप का मतलब क्या होता है समान रूप देखे जाते हैं उनमें से एक विभक्ति में जो एक रूप या स्वरूप देखे जाते हैं उनमें से एक ही शेष रहता है, एक ही शेष रहता है तथा अन्य का लोप हो जाता है। अन्य का क्या हो जाता है लोप हो जाता है, ठीक है ना। तो एक विभक्ति में जो समान रूप देखे जाते हैं उनमें से एक ही शेष रहता है, अन्य का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। जैसे देखिए जैसे रामौ है तो ये द्विवचन है तो क्या स्थिति बनेगी राम और राम, ये दो हो गए। रामा है तो इसमें क्या बनेगा राम राम और राम, तो ये एक विभक्ति है और एक विभक्ति में ये स्वरूप हैं, तीनों राम क्या है समान है अर्थात समान रूप वाले हैं, तो इनमें से इन राम राम है इनमें दो का लोप हो जाएगा और शेष क्या रहेगा एक रहेगा, इसमें से भी इस एक का लोप हो जाएगा शेष क्या रहेगा एक, तो ये इस बात को बताता है, ठीक है ना। तो एक विभक्ति में जो स्वरूप देखे जाते हैं उन स्वरूपों में से अन्न का लोप हो जाता है, एक ही क्या रहता है शेष रहता है, समझ में आ गया। अब देखिए अगला सूत्र है प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, अगला सूत्र लिखिए इंपोर्टेंट सूत्र है ये प्रथमयो
पूर्व सवर्ण है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, इसकी वृत्ति है अकह प्रथमा, अकह प्रथमा द्वितीय योरचि अकह प्रथमा द्वितीय योरचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्। पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश है स्यात्। अकह प्रथमा द्वितीय और अचि पूर्व सवर्ण है दीर्घ एकादेश है स्यात्। अब देखिए ये क्या कहता है कि अक से पर प्रथमा द्वितीय संबंधी अच रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। अक से परे, ठीक है ना, तो इसका अर्थ लिखिए पहले। अर्थ है इसका अक से परे, और अक क्या है, एक प्रत्याहार है। अक क्या है, प्रत्याहार है, और अक प्रत्याहार हम माहेश्वर सूत्रों के द्वारा बनाते हैं। और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ री ली, ठीक है ना। तो अक से परे ये कह रहा है कि अक है प्रथम पूर्व सवर्ण, क्या कहता है कि अक है प्रथमा द्वितीय और अचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश चाह। तो अक से परे, अक का मतलब क्या होता है, अ ई उ री और ली। अक से परे प्रथमा तथा द्वितीय संबंधी अच रहने पर, अक से परे प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति संबंधी अच या स्वर रहने पर, रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। प्रथमा तथा द्वितीय संबंधी अच रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, प्रथमयो पूर्व सवर्णे, प्रथमयो पूर्व सवर्णे। तो देखिए इस क्या कहता है, अक से अक है प्रथमा द्वितीय योर अचि, अच का मतलब होता है स्वर, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्। अब क्या कहता है, देखो अक से परे यदि अक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ई उ री और ली, इनसे परे यदि क्या हो, अक से परे प्रथमा तथा द्वितीय संबंधी अच हो, अर्थात इधर तो क्या हो, इन ए यू री ली में से कोई वर्ण हो प्लस से पहले, और उसके बाद प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति संबंधित कोई स्वर वर्ण हो, क्या हो, प्रथमा विभक्ति, केवल प्रथमा और द्वितीय की बात कर रहा है, प्रथमा व पूर्व सवर्ण किसकी बात कर रहा है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति संबंधी कोई अच्यनी स्वर वर्ण हो, तो प्रथमा व पूर्व सवर्ण सूत्र से उसको क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए ये राम शब्द है, और राम शब्द है जिसका प्रथमा का द्विवचन प्रत्यय क्या आएगा, औ आएगा, क्या आएगा, औ आएगा। अब ये देखिए कहता है कि अक से परे, अब ये राम में क्या है, मैं में ए है, और उसके बाद क्या है, अक से परे प्रथमा द्वितीय विभक्ति संबंधी, अर्थात ये जो औ अच है ये क्या है, औ स्वर है, स्वर है, और ये प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है और द्वितीय का भी प्रत्यय, तो प्रथमा द्वितीय, तो ये दोनों, तो ये कहता है कि अक से परे प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है, अर्थात पूर्व सवर्ण यानी पहले के समान, पहले के समान दीर्घ हो जाएगा, अर्थात ये मैं ए धन औ दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा, ठीक है।
तो ये इस बात को स्पष्ट करता है, ठीक है ना। तो इस सूत्र की हमको आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर इसको हम समझेंगे। इसका अर्थ है आगे इसकी वृत्ति है अके प्रथमा द्वितीय अर्ची पूर्व श्रवण एकादेश चार। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है ना। पेपर में कई बार व्याख्या के लिए आता है, इसकी वृत्ति और इसका अर्थ हमको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि प्रथमा और पूर्व सवर्ण है। जब ये व्याख्या के लिए आएगा तो क्या आएगा, प्रथमा द्वितीय पूर्व सवर्ण है, ठीक है ना। इस सूत्र का पदच्छेद करेंगे, पदच्छेद करने के बाद उसकी वृत्ति लिखेंगे, अकह प्रथमा द्वितीय योर अची पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश चार। अक को समझाएंगे अर्थ में कि अक, अक का मतलब क्या होता है, ए ई उ रील री, अक एक प्रत्याहार है और अक प्रत्याहार में ए ई उ रील री वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार से परे यदि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति से संबंधित कोई अच या स्वर वर्ण होता है तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। उदाहरण में हम लिखेंगे रामहु, क्या लिखेंगे, रामहु। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला सूत्र, अगला सूत्र कौन सा है, नादची, कौन सा है, नादची। इसका निषेध करने वाला सूत्र आता है अगला, आदिचि परेन पूर्व सवर्ण है दीर्घ एकादेश है शात। इधर ही लिख देता हूं, सूत्र है अगला, नादिचि, कौन सा सूत्र है, नादिचि छोटी आई, न आत इचि, न आत इचि, नादिचि। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है, नादिचि आदिचि परे ने पूर्व सवर्ण दीर्घ है, आदिचि परे, आदिचि परे ने पूर्व सवर्ण दीर्घ है, आदिचि परे ने पूर्व सवर्ण दीर्घ है, पूर्व सवर्ण दीर्घ है वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि रामः, रामहु, ठीक है ना। अब देखिए ये सूत्र क्या करता है कि ये कहता है कि अवर्ण के आगे ईच, ईच प्रत्याहार के रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश नहीं होता है। तो देखिए कि आत इचि, इसका जब आदिचि का जब हम पदच्छेद करेंगे तो क्या बचेगा, आत या ऐत इचि, ईच क्या है, एक प्रत्याहार है और ईच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ई उ री री ए ओ आई और औ, ये वर्ण आएंगे, कौन से प्रत्याहार में आएंगे, ईच प्रत्याहार में आएंगे, ठीक है ना। तो आत का मतलब क्या होता है, ए या आ होता है। तो इस बात को बताता है कि आदिचि, ये कहता है नादिचि कि आदिचि परे ने पूर्व सवर्ण दीर्घ, अर्थात आत और ईच के परे यदि क्या हो, कोई वर्ण हो, स्वर वर्ण हो तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश नहीं होता है। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश नहीं होगा तो वृद्धि रेचि जो सूत्र है वहां पर क्या कर देगा, वृद्धि करता है। और वृद्धि रेचि हमने पढ़ा था अजंत पुल्लिंग, सॉरी अच संधि प्रकरण में पढ़ा था जब हमने वृद्धि संधि पढ़ी थी कि वृद्धि रेचि क्या करता है, आत एचि चे वृद्धि संज्ञे शात, ये तो अवृद्धि संज्ञा वृद्धि करता था और वृद्धि रेचि क्या करता था, वृद्धि करता था, क्या करता था, वृद्धि करता था, ठीक है ना। तो इसका अर्थ लिखिए, नादिचि का अर्थ लिखिए कि ए वर्ण के बाद ईच प्रत्याहार का वर्ण रहने पर, अर्थ लिखिए ए के बाद, ए वर्ण के आगे या बाद, ए वर्ण के आगे ईच प्रत्याहार और ईच प्रत्याहार में आते हैं ई उ री री ए ओ आई और औ, ईच प्रत्याहार का वर्ण रहने पर, का वर्ण रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश
नहीं होता है, दीर्घ एकादेश नहीं होता है, होता है, ठीक है ना। तो नादिचि क्या कहता है, ये जो प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, जो सूत्र है, ये प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र का निषेध करने वाला या अपवाद सूत्र है। क्या है? प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र का निषेध करने वाला या अपवाद सूत्र है। और इस नादिचि सूत्र के आगे इसका उदाहरण लिखिए रामौ, उदाहरण है इसका रामौ। अब ये हमको रामौ शब्द की रूप सिद्धि बनानी है, ठीक है ना। तो इसमें वृद्धि रेचि भी काम आएगा। तो देखिए प्रथमयो पूर्व सवर्ण तो क्या कहता है कि अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि प्रथमा तथा द्वितीय संबंधी कोई अच यानी स्वर वर्ण हो तो वहां पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र से क्या हो जाता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा। देखिए हम रामों की जब रूप सिद्धि बनाएंगे तो राम शब्द की अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सौजस मौट सूत्र से क्या हो जाएगा, प्रथमा के द्विवचन में क्या हो जाएगा, औ प्रत्यय। तो राम धन औ, हमारी ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। राम धन औ ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद ये प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र क्या करेगा कि अक प्रत्याहार का वर्ण है क्या है, मैं ए है और उधर क्या है औ। अक प्रत्यार के वर्ण के बाद प्रथमा द्वितीय संबंधी अचय अर्थात ये प्रथमा विभक्ति का औ प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति से संबंधित अचय स्वर वर्ण है, ठीक है। तो यहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होकर के क्या हो जाएगा, रामौ ये रूप सिद्ध हो जाना चाहिए था, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये तो इस बात को बताता है। लेकिन ये नादिचि सूत्र क्या करेगा, ये कहता है कि ए के बाद आद के यानी ए वर्ण के बाद यदि ईच प्रत्याहार का वर्ण हो और ईच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई ऊ री ऋ ए ओ आई औ, तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। तो यहाँ पर राम धन औ स्थिति में प्रथम व पूर्व सवर्ण है जो दीर्घ सूत्र है, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ प्राप्त था लेकिन नादिचि सूत्र ने उसका क्या कर दिया, निषेध कर दिया, क्योंकि ये ए वर्ण के बाद ईच प्रत्याहार का वर्ण आ गया तो वहां पर प्रथम पूर्ण सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एकादेश नहीं होता है। तो नहीं होगा तो वहां पर क्या करेंगे, वृद्धि रेचि सूत्र से क्या कर देंगे, हम वृद्धि कर देंगे और वृद्धि कर देंगे तो राम धन औ बराबर ए प्लस औ बराबर औ हो जाता है। तो रामौ यह रूप हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है, इसका उदाहरण हो गया रामौ। अब हमको बनानी है रामौ शब्द की रूप सिद्धि बनानी है। दोनों सूत्र इंपोर्टेंट है, नादिचि और प्रथम पूर्ण सवर्ण, ठीक है। तो अब रामौ शब्द की रूप सिद्धि बनाएंगे हम।